तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 21वें मैच में आज शेख हजायत स्टेडियम में दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। चेन्नई के सामने चुनौती है कि वो पंजाब के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को बरकरार रखे। सीजन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराने के बाद टीम ने लगातार 3 मैच गंवाए थे और फिर जीत हासिल की थी। उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि शेन वॉटसन फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने पिछले मैच में इनफॉर्म बल्लेबाज फॉफ डु प्लेसी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी की थी और टीम को जीत दिलाई थी। कोलकाता के खिलाफ भी महेंद्र सिंह धोनी को इन दोनों से इसी तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप की उम्मीद होगी। इन दोनों के बाद टीम के पास अंबाती रायडू, केदार यादव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा और खुद धोनी हैं। धोनी के बल्लेबाजी क्रम पर खेलने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो आगे के मैचों में किस नंबर पर खेलने आते हैं। जडेजा का बल्ला चल रहा है, ब्रावो ने अभी तक सिर्फ 2 मैच ही खेले हैं लेकिन बल्लेबाजी नहीं की है। वहीं कोलकाता की जहां बात की जाए तो उसके लिए कई सारे सवाल हैं, खासकर बल्लेबाजी में। शुभमन गिल बिना किसी संदेह के फॉर्म में है लेकिन उनके सलामी जोड़ीदार सुनील नारायण से जो आतिशी बल्लेबाजी की उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिली है। तो वहीं योन मॉर्गन के बल्लेबाजी स्थान को लेकर भी टीम निशाने पर लगातार है। कई लोगों का मानना है कि मॉर्गन के ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए, मुख्यतः 4 नंबर पर, और कप्तान दिनेश कार्तिक को फिनिशर का रोल निभाना चाहिए। टीम के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल भी अभी तक उस तरह की पारी नहीं खेल पाए हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है। कोलकाता की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो युवा कंधों पर है और अनुभव भी उनका साथ दे रहा है। शिवम मावी और कमलेश नगरकोटी जैसी युवा गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से बेहद प्रभावित किया है और पैन कमिंस भी टीम के लिए उपयोगी रहे हैं। स्पोर्ट डेस्क न्यूज प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।